हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको कंज्यूमर बिहेवियर की दो थ्योरी एक्सप्लेन की थी, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। जैसे कि हमने उस लेसन में बताया था, आपको लेक्चर में बताया था कि कार्डिनल अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर मार्जिनल ने यूटिलिटी अप्रोच को यूज किया है, यूटिलिटी एनालिसिस को यूज किया है। यह हमारा जो सेकंड यूनिट है प्लस वन की माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो उसका सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन है। आज हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और इसके कुछ सीबीएसई क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। नाउ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस द फर्स्ट क्वेश्चन विल कम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, because we are discussing here about the behavior of consumer. So first of all, we should to know about who is consumer. Who is consumer? This is the first question. Who is consumer? The person who consumes goods. And services, then what is meant by consume? Purchase. What is meant by consume? Purchase. Purchase of goods and services for the motive of self-satisfaction. Or for family need. So if we combine all these things to prepare the definition of consumer, then who is consumer? Consumer, a person who purchases goods and services to satisfy their needs. The person who purchases goods to satisfy their needs, that person is known as consumer. Now, second question, what is utility? What is utility? देखो बेटा, हम किसी भी गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। और वो पर्पस क्यों है? क्योंकि उस गुड्स और सर्विस में कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमारे पर्पस को सोल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर पेन परचेज किया है। क्यों परचेज किया है? क्योंकि मैं बोर्ड पर लिखना चाहता था। आई वॉन्ट टू राइट ऑन दिस बोर्ड। तो ये मार्कर मेरी कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज दिस मार्कर हैव द पावर टू सेटिस्फाई माई नीड्स। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस पेन। So, the answer just in front of you, what is UTD? The power of goods, and service by which we can satisfy our needs. जैसे ये पेन लिखने के काम आता है, आपके पास जो मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देखने के काम आ रहा है आपके पास, तो ये उसकी यूटिलिटी हो गई आपके लिए। आप उससे फोन कॉल कर सकते हैं, आपके लिए उसकी यूटिलिटी हो गई। तो यूटिलिटी का मतलब सीधा सा है द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय विच वी कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स और दैट कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स। अगर इसी डेफिनेशन को शॉर्ट में लेना चाहें तो क्या बोलेंगे? वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, नीड्स सेटिस्फाइंग पावर इज नोन एज यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी हैव टू बेसिक अप्रोच और कॉन्सेप्ट। The one is
मार्जिनल यूटिलिटी, तपाल इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड द सेकंड इज टोटल यूटिलिटी। तो देखिए हमने भी आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताए, तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बताए। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, वो पर्सन जो मार्केट से गुड्स और सर्विस को परचेज करता है ताकि अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। व्हाट इज यूटिलिटी, किसी भी गुड्स की वो पावर जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम उसकी यूटिलिटी बोलते हैं। कितने टाइप की होती है यूटिलिटी, इसके कितने कॉन्सेप्ट है, इट हैज टू कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इट हैज टू कॉन्सेप्ट। नाउ वी एक्सप्लेन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। विच कैन बी मेजर्ड इन शॉर्ट फॉर्म MU। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट। और देखिए क्या लिखा हमने, इट रेफर टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट। आप जिस भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड्स की एक यूनिट और कंज्यूम कर ले, तो ऐसा करने से आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, वो चेंज मार्जिनल यूटिलिटी है। हम इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर टू द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच, रेफर टू द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट। ईच इंडिविजुअल यूनिट हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की, उन सभी यूनिट की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 यूनिट एप्पल के कंज्यूम किए, तो फर्स्ट वन एप्पल से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो फर्स्ट का मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। सेकेंड पीस एप्पल से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो सेकेंड का मार्जिनल यूटिलिटी। और थर्ड पीस एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला, वो आपका थर्ड का मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, विच कैन बी प्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म TU, टोटल यूटिलिटी और टोटल सेटिस्फेक्शन। इट रेफर टू टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टोटल कंजम्पशन। From total consumption, कि आपने किसी गुड्स की कितनी यूनिट आपने कंज्यूम की, उतनी सारी यूनिट कंज्यूम करने से आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। देखिए अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट मी कंज्यूम 3 पीस
of mango, 3 pieces of mango. So we draw a table, unit of mango, marginal UDT, total UDT. Now, first piece of mango, left. If you consume first piece of mango, we get satisfaction equal to 50. What is 50? 50 util. मैंने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए मार्जिन ने जो मेजरमेंट यूनिट लिया वो यूटिल लिया है. इफ यू कंज्यूम सेकंड पीस ऑफ मैंगो इट विल गिव 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन. इफ यू कंज्यूम थर्ड पीस ऑफ मैंगो फ्रॉम थर्ड पीस आई विल गेट लाइक 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन. सो व्हाट इज माई टोटल सेटिस्फेक्शन? If I consume 1 unit, from 1 unit I will get 50 util satisfaction because my total unit is 1. If I consume 2 pieces of mango, so my total unit is 2 unit. So from total 2 unit, 50 plus 40, 90 util. And if I consume 3 pieces, then what is our total utility? 50 plus 40 plus 30, 120 util. So this is my total utility, these are my marginal utility. How we did this table? According to total utility, from 1 unit I will get 50 util satisfaction, from 2 unit I will get 90 util satisfaction, from 3 unit I will get 120 util satisfaction. If I want to read marginal utility table, then how I did? From first unit I will get 50 util satisfaction. लेकिन क्या फर्क आया दोनों में? जब मैं टोटल यूटिलिटी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? 1 यूनिट. लेकिन जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट यूनिट. तो फर्स्ट मींस इंडिविजुअल, 1 मींस टोटल, 2 मींस टोटल और सेकंड मींस इंडिविजुअल. इज इट क्लियर? सो मार्जिनल यूटिलिटी प्रेजेंट इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन एंड टोटल यूटिलिटी प्रेजेंट टोटल सेटिस्फेक्शन. चलो फर्स्ट एफिशिएंसी का अकॉर्डिंग समझते हैं. इट रेफर टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट. लेट अभी तक हमने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं की, जीरो पे है, तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन में कितना हो गया? जीरो हो गया. हमने जीरो के बाद हमने क्या क्या? वन मोर यूनिट, एक यूनिट कंज्यूम कर लिया वन. तो हम तो जीरो से कहां पर चले गए? 50 पर चले गए. कितना चेंज आ गया? 50 का चेंज आ गया. हम वन से टू पर चले गए, हमने एक यूनिट और कंज्यूम कर लिया. हम 50 से कहां चले? 90 पर. तो कितना चेंज आया? 40 का चेंज आया. 50 90 इनका डिफरेंस कितना हो गया? 40. हमने एक यूनिट और कंज्यूम कर लिया तो हम कहां चले गए? 90 से 120 पे चले गए. तो कितना चेंज आया? 120 तक जाने के लिए 90 से 120 30 का चेंज. सो रेफर टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी, रेफर टू चेंज 40 30. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. I hope so I clear the concept of marginal utility and total utility in a very simple way. Now, how we get this value with the numerical formula? If you want to estimate marginal utility from nth item, total utility from nth item minus total utility n minus 1 item. What it mean? For example, quantity of x is 1, 2, 3. Total utility from x is, suppose, according to our given example, previous example, 50, 90, 120. We want to estimate marginal utility at second. So we write here, क्योंकि हम second पर estimate कर रहे हैं तो उसी के according चलेंगे. So total utility is 2 minus total utility 2 minus 1. So what is now the real equation? TU2
माइनस टीयू वन। इसका मतलब कि सेकंड यूनिट पर टोटल यूनिट कितना है और फर्स्ट यूनिट पर टोटल यूनिट कितना है। सेकंड पर कितना है 90 माइनस फर्स्ट पर कितना है 50, द डिफरेंस इज 40। दिस इज द मेथड टू एस्टिमेट मार्जिनल यूटिलिटी और इन फॉर्म ऑफ टेबल यू गेट इजीली ऑन फर्स्ट 50 एज इट इज, 90 माइनस 50 40, 120 माइनस। सो होप सो आई क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी बताया एक्सप्लेन किया कि यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट इज यूटिलिटी, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर और द पावर ऑफ गुड्स बाय विच वी कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स। एक नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, यू विल राइट दिस डेफिनेशन, यू विल राइट दिस डेफिनेशन एंड विद दिस इक्वेशन, ये डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ में इक्वेशन भी राइट करेंगे। उसके बाद आपसे कहा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि टोटल यूटिलिटी रेफर टू टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज अवर टोटल यूटिलिटी। इज इट क्लियर? तो क्योंकि मैंने अपना टॉपिक आपको सामने प्रेजेंट किया, केवल एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, डेली आपको एक एक दो दो क्वेश्चन में करवाऊंगा और आप इनको बड़े आराम से इनको देखते रहेंगे समझते रहेंगे तो इकोनॉमिक बहुत ईजी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा।